दोस्तों आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं मगर किसी ना किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। जरूर आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम होंगी जिससे आप लोग गुजर रहे होंगे, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन एक संघर्ष है, इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किलफुल मैरिनर, अर्थात एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। कोई भी एक ऐसा सफल व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने सफलता से पहले असफलता और मुसीबतों का सामना ना किया हो। आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ में भी आज जो प्रॉब्लम्स है वो किसी ना किसी अच्छे के लिए है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक बार एक लड़के ने पेड़ के पास एक तितली के खोल को देखा। उसने देखा कि तितली खोल से बाहर निकलने के लिए बार बार संघर्ष कर रही है। उस लड़के को तितली पर दया आ गई और उसने तितली की मदद करने की कोशिश की। उस लड़के ने खोल को तोड़ दिया और तितली को बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो तितली मर गई। लड़के को यह समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों, ये तितली मर कैसे गई। उसने सारी बात घर जाकर अपनी माँ को बताई। माँ ने उससे कहा कि संघर्ष ही प्रकृति का नियम है और खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है उससे उसके पंखों और शरीर को मजबूती मिलती है, जिससे वो अपनी जिंदगी में उड़ पाती है और आगे बढ़ पाती है। और तुमने उस तितली की मदद करके उसे संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लाइफ भी ऐसी ही है, अगर बिना संघर्ष किए आपको कुछ बड़ा मिल जाएगा तो ना तो आप उसकी कीमत जान पाएंगे और ना ही वो आपके लिए कोई वैल्यू रख पाएगा। जिराफ का बच्चा जब जन्म लेता है तो वह माँ के गर्भ से 10 फीट की ऊंचाई से पीठ के बल गिरता है। गिरने के बाद उसमें उठकर खड़े होने की शक्ति नहीं होती। जब जिराफ का बच्चा खड़ा नहीं होता तो उसकी माँ उसे बार बार जोर से लाते मारती है और वह बच्चा जब तक ये लाते खाता रहता है जब तक कि वो उठकर खड़ा नहीं हो जाता, और कुछ देर बाद वो बच्चा डगमगाते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। अगर जिराफ के बच्चे को अपनी माँ से ये लाते खाने को ना मिले तो वह खड़े होने से पहले ही शेर या अन्य किसी शिकारी जानवर का शिकार हो जाएगा। तितली और जिराफ की तरह हर प्राणी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, प्रकृति का यही नियम है और जो व्यक्ति इस नियम को समझता है वो सफल हो जाता है। सफलता की हर कहानी एक असफलता की कहानी भी है। जो व्यक्ति असफलता को चुनौती समझकर स्वीकार करता है वह असफलता को हरा देता है, और जो व्यक्ति असफलता से डर जाता है उसको लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकता तो वो कभी सफलता का स्वाद भी चख नहीं पाता। और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे दूसरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने बाकी हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।